नमस्कार, एमएचवन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रिचा। मुरथल कथित गैंगरेप मामले में सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है। एमएचवन न्यूज ने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर इस कथित गैंगरेप के बारे में जानने की कोशिश की। आइए आपको भी दिखाते हैं एमएचवन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 1 पर मुरथल में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कथित गैंगरेप होने की बात कही जा रही है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस जगह पर कथित गैंगरेप की बात कही जा रही है वहां एमएचवन न्यूज ने पहुंचकर पड़ताल की। दरअसल मुरथल में अमरीक सुखदेव ढाबे के दोनों तरफ हसनपुर और कुराड़ गाँव है। मामले की हकीकत जानने के लिए एमएचवन न्यूज की टीम कुराड़ गाँव पहुँची। जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में कथित गैंगरेप की वारदात की बात सामने आ रही है और आप देख पा रहे हैं कि जो सुखदेव अमरीक ढाबे की जिसकी बात की जा रही वो ढाबा ठीक सामने आपके देख रहे हैं और उसके सामने हाईवे है और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ये फासला है। इसके बाद ये जो गांव है कुराड़ गांव पहुंचकर पहले हमने पूर्व सरपंच से बात की और बातचीत में पूर्व सरपंच ने कथित गैंगरेप जैसी किसी भी बात होने से इनकार किया। हमारे सामने तो जो कोई ऐसी चीज नहीं है, हमने भी पूछा है, काफी लोगों से पूछा है, गरीब से अमीर से सभी से पूछा है, होटल वाले जो नौकरी करते हैं उनसे पूछा है, हमारे नोटिस में तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, तोड़ फोड़ की और आगजनी की तो जरूर हुई है, गाली गलौच भी हुई है। बातचीत में पूर्व सरपंच ने बताया कि उनके गाँव के मास्टर ओम प्रकाश के घर जाट आंदोलन के दौरान रात को 3 बजे एक परिवार ने शरण ली थी जिसमें एक महिला भी मौजूद थी। इस मामले को और करीब से जानने के लिए एमएचवन न्यूज की टीम ओम प्रकाश मास्टर के पास पहुंची और उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर कब और कौन लोग उनके पास आए थे। सोनीपत के मुरथल में जिस तथाकथित गैंगरेप की बात की जा रही है उसी पर बात करने के लिए हम मुरथल पहुंचे हैं और मैं आपको बता दूं कि यहां से तकरीबन 1.5 एकड़ दूर जो है वो हाईवे है और यहां पर हाईवे के नजदीक गांव के ही कुराड़ के जो ओम प्रकाश मास्टर हैं उनका घर है। एक फैमिली जो कि 22 तारीख को यहां पर आकर रुकी है उसमें एक महिला भी थी और किस तरीके से आखिर उन लोगों ने क्या बताया वो भी हम ओम प्रकाश जी से जानेंगे। ओम प्रकाश जी, जब वो लोग आए तो कहां पर आपको कैसे मिले और किस वक्त आए हों? वो आदमी जो थे ना 2:45 बजे एक बंदा यहाँ आया था सरदार जी और उसको चोट लगी हुई थी, मैं टंकी भर रहा था ना तो मैंने देखा भाई इसको तो खून बह रहा है। फिर उसने मेरे को बताया कि मेरे को तो बहुत ज्यादा चोट है, मेरी आंटी है, मेरे साथ है, मेरे भैया है, मेरे अंकल हैं और वो इसमें छुपे हुए हैं। किधर किधर छुपे हुए थे? वो जो ये है ना इसमें रोड के साथ है और दीवार के साथ इधर पीछे छुपे हुए थे दीवार के। हमारे कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे, फिर मैंने देखा भाई ये आदमी तो बहुत सीरियस है, कुछ भी हो सकता है, रात की बात है, ठंड बहुत थी। तो मैंने फिर उनको टॉर्च लेके और दूसरे उनके जो थे अंकल और उसकी आंटी वगैरह उनको ले आए अंदर, फिर उनको चाय वाय पिलाई, उनको फर्स्ट एड किया, दवाई वगैरह देकर इंजेक्शन टीटी के लगा कर सला दिए। वो सोने आराम करने के बाद सुबह 6 बजे हमने उनको नाश्ता करा के और टेबलेट एक जो था दर्द के लिए दे के उनकी गाड़ी को ठीक, वो पिंचर हुए थे वो स्टेपनी चेंज वगैरह करा के फिर उनको दिल्ली भेज। कहाँ पर थी उनकी गाड़ी? उनकी गाड़ी रोड के बीच में थी परली साइड पे और बिल्कुल टूटी हुई थी, शीशे सारे कंस हो रहा था उसमें, बिल्कुल उसमें सारे शीशे लाइटें सब तोड़ रखी थी। जो महिला आई थी उस दिन रात को आपके घर पर जो रुकी, उस महिला ने क्या ऐसा बताया कि किसी ने बदसलूकी की है उनके साथ? नहीं नहीं, उस महिला ने बताया हमारे साथ कुछ नहीं किया, ना हमारा कुछ छीना है, ना लूटा है, ना मेरे को हमारे साथ कोई छेड़खानी की है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया, हमारे साथ भी ना लूटपाट हुई है ना छेड़खानी हुई है, बस वो शीशे तोड़ गए हमारी गाड़ियों के। क्या पुलिस ने इस बारे में आपसे तहकीकात की थी, क्योंकि ये वाकया जब सामने आया तो पुलिस ने किसी तरह की पूछताछ आपसे की? बहुत यहाँ से ना पुलिस ने इतनी जबरदस्त चेकिंग की हुई है, चप्पे चप्पे पे वो घूम रहे हैं अभी भी, और आईजी परमजीत अहलावत सिंह जी आए थे और उनके साथ देवेंद्र जी भी आए थे और यहाँ मेरे मकान पे भी आए, मेरे से बातचीत की थी, और DSP आया था, SP भी आया था विशेष अभिषेक गर्ग है क्या नाम उनका,
तो सब यहाँ आ रहे थे, उनकी इंक्वायरी पूरी चली हुई है, पर ऐसा हमने नहीं कहीं भी सुना है कोई गैंगरेप हुआ हो। मगर कुछ ही दूरी पर, क्योंकि आपसे कुछ ही दूरी पर यहाँ पर जो अमरीक और सुखदेव ढाबा है उसके पीछे बताया जा रहा है, आप ही का गांव है कुराड़ गांव, वहां पर उस जमीन में कहा जा रहा है कि कुछ कपड़े मिले हैं और तकरीबन 10 महिलाओं के साथ कपड़े उस अमरीक जो ढाबा अमरीक का उसके हसनपुर की तरफ स्कूल के कोने पर कपड़े मिले हैं, वो रेड और ग्रीन कलर के और ब्लैक कलर के, हमने भी वो खुद देखे थे। तो वो तय के अंदर थे, उनकी तय खुली हुई नहीं थी, या तो शरारती तब उनका बैग लेके बाद उन्हें डाल दिया है, या जैसे भी होंगे उन पर धूल भी लगी हुई थी, धूल मिट्टी लगी हुई थी। तो मतलब आपको लगता है कि इस तरह की कोई वारदात नहीं? कोई वारदात नहीं हुई, इस तरह से वारदात होती है हम खुद उसकी सूचना देते और इंक्वायरी पूरी अब हम भी कर रहे हैं, अभी भी हम भी देख रहे हैं भाई कहीं से कोई सुराग निकले, कैसी हुई है तो घनौनी हरकत हुई, और जिन्होंने की है तो उनको फांसी भी होनी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। क्या आप भी, क्योंकि यहाँ पर आपका स्टड फार्म है आजू बाजू, क्या आपको इस तरह के कोई कपड़े या और कोई इस तरह की चीज मिली हो जिससे ये लगता हो कि इस तरह की वारदात यहाँ पर कोई हुई? नहीं, हमारे यहाँ ना कपड़े मिले हैं ना कुछ, और कोई भी इस तरह के कपड़े वपड़े इस तरफ कोई नहीं था, बस वो हम देख रहे थे, यही बंदे हमारे पास आए थे, इन्हीं को हमने प्यार से नाश्ता वगैरह करके दिल्ली गए। क्या पुलिस की तरफ से किसी तरह का दबाव ओम प्रकाश जी आप पर ये डाला गया कि आप ना बताएं कि इस तरह की वारदात हुई है, इलाका बदनाम हो जाएगा, आप इस तरह की बातें ना करें? नहीं, पुलिस का हमारे पास कोई दबाव नहीं था, न कोई वो था, न हम पुलिस का दबाव माने, जब अगर वही है तो हम पुलिस का दबाव मानने भी नहीं गए, पर ऐसा हुआ ही नहीं है यहाँ पर। मास्टर ओम प्रकाश ने भी बताया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इसके बाद हमारी टीम ने कुबेर होटल के जीएम जेपी शर्मा से बात की, लेकिन उन्होंने भी यही बताया कि गैंगरेप जैसी यहां पर कोई घटना नहीं हुई है। कुबेर होटल के जीएम जेपी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी जी, एक तथाकथित गैंगरेप की बात की जा रही है, आपका होटल भी नजदीक है, कुराड़ गांव के खेतों की बात बताई जा रही है, या हसनपुर से जिस तरह के कपड़े मिले हैं, क्या आपको ऐसी कोई बात सुनने में आई, क्योंकि आपका होटल नजदीक है? जो ये बातें आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हमारे सामने ना तो कुछ हुआ, क्योंकि दो तीन दिन तक तो बिल्कुल ही बंद रहा, दहशत में लोग वैसे भी बाहर नहीं निकले, और ऐसा कोई आया भी नहीं जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो अब बाद में ये आके अगर ये कपड़े वगैरह जो भी मिले हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कुछ कोई सामने ना आए, क्योंकि किसी ने भी कोई भी ऐसी कंप्लेंट नहीं की हमारे साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद हमारी टीम ने कुछ ट्रक ड्राइवरों से बात की जिनकी गाड़ियां इस आंदोलन के दौरान जल गई थी, और जो अपने आप को इस मामले का चश्मदीद मीडिया के सामने पेश कर रहे थे, लेकिन जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने लूटपाट और आगजनी की बात तो बताई, लेकिन गैंगरेप की बात पर कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। सोनीपत में हुए कथित गैंगरेप को लेकर चर्चाएं जारी है, और इसी बीच हमारे साथ एक चश्मदीद हैं, उन्होंने देखा है कि किस तरीके से ये चीजें उनके सामने हुई हैं। आपका नाम? यादविंदर सिंह जी। यादविंदर जी, जिस वक्त ये वाक्या हुआ क्या देखा आपने, क्या कुछ महिलाएं इस तरीके से जो बता रहे हैं कि गैंगरेप हुआ है, आपके सामने कोई इस तरह की चीज हुई? महिलाएं जा रही थी खेतों में अपनी जान बचाती, पब्लिक जो रोड पे जा रही थी, बसों में थी या कारों में थी, वो खेतों में जा रही थी, कपड़े फटे हुए थे, तो कपड़े बाकी बैग हाथ में पकड़े हुए थे, तो खेतों में जा रही है, उस टाइम हम भी अपनी जान बचाई हुई थी, हमारी गाड़ी को आग लगा दी थी, तो हम भागे हुए, हम भी स्कूल में छुपे थे, स्कूल के अंदर दो लड़के घुस पड़े थे, तो हम लोग स्कूल से भी द्वार कूद के परे शहर में जंगल शहर में चले गए खेतों में। क्या बता पाएंगे कि कितनी महिलाएं होंगी? तीन को मैंने देखी, हमने भी आदमी जा रहे थे साथ में, बच्चे थे, तो अपनी जान चलते जा रहे खेतों में भी हम जान बचा पाए अपने। ये किस वक्त का हादसा है? जिस वक्त? दोपहर के टाइम में। दोपहर को किस वक्त? टाइम का तो अंदाजा है लगाया नहीं, दो ढाई ऐसे तब होगा। आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सुखविंदर सिंह जी, ये बताया गया है कि यहाँ पर 10 महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, औरतों को, बच्चों को, औरतों को ऐसे फेंका गया कि जैसे अखबार फेंकते हैं ना, वैसे औरतों को पकड़ ले जाके ऐसे कपड़े पकड़ खींचा गया, तो खेतों में ले गए खींच के, ये हमारे देखने की बात है। कब देखा आपने ये, कब की बात? जिस दिन कांड हुआ यहाँ पे 22 तारीख को हुआ है, जिस दिन आग लगी है ये गाड़ी को, उस दिन हुआ। किस वक्त टाइम क्या रहा? टाइम दिन का भी टाइम था, शाम का भी टाइम था, जैसे उनको मौका मिला वैसे काम किया, उन्होंने गलत काम किया। तकरीबन कितनी महिलाएं रही होंगी, कितने आदमी? तकरीबन महिलाएं तो जितनी समझ लो कि हाँ 10 समझ लो, 50 समझ लो, जिसको उनके जी में आया उसको पकड़ लिया।
कि खींचते औरतों को खींच कर जाते देखे हमने। तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से कुछ जो ट्रक ड्राइवर हैं जो यहाँ पर जिनके ट्रकों में आगजनी हुई है या कुछ और जो ट्रक ड्राइवर थे वो यहाँ पर मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की चीजें हुई हैं, कुछ महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है और कुछ लूटपाट भी, उनकी बात भी ये तमाम लोग कह रहे हैं। मगर जाँच चल रही है इस मामले की और जाँच के बाद पता लग पाएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ आलोक सांगवान, एमएचएन न्यूज़ सोनीपत।